नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा भोपाल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि काले कानून लागू किए जाने के विरोध में यह जन आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं आज भोपाल जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्होंने मांग की है कि यह 3 कृषि काले कानून वापस लिए जाए, अन्यथा अगर किसान आक्रोशित हो गया तो उग्र आंदोलन भी करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो बातचीत करने का प्रस्ताव रखा गया है उसमें यह सिर्फ 2-3 किसानों से ही बात करेंगे, लेकिन हम अपने समूह के साथ कृषि मंत्री से बात करना चाहते हैं। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा क्या कुछ मामला है? किसानों के विरोध में बीजेपी की ईवीएम घोटाले की केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उन काले कानूनों के विरोध में, उन काले कानूनों को रद्द कराने के लिए ऑल इंडिया में 560 जिलों में एक साथ ये जन आक्रोश रोड मार्च निकाला जा रहा है। वही लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री जो है बात करने की केंद्रीय मंत्री जो है केवल ख्याली जो है ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को, और लेना देना करना धरना कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बीजेपी की सरकार ने कहा था दिए क्या? आज तक नहीं दिए। तो ये झूठी सरकार है। और इससे किसानों से वो पर्सनली चर्चा करना चाहते हैं, जो उनका समूह है उनके साथ में चर्चा नहीं करना चाहते और इस कानून को रद्द भी नहीं करना चाहते, ये उनकी समस्या है। केवल वो नौटंकी करते हैं कि हम किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है। देश नहीं, आज दुनिया सारी कोरोना से पीड़ित है, प्रताड़ित है। वहीं आप समूह में बात करने की बात कर रहे हैं, क्या उचित होगा केंद्रीय मंत्री के साथ में समूह में बात करना? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जो रैलियां की लाखों लाखों लोग की, वो किसान के कोविड-19 के पीरियड के बाहर की है? या यहाँ पर भोपाल में, आपके उदाहरण आपको दे दूँ, भोपाल में दशहरा मैदान में जब कोविड-19 का उन्होंने बैन लगाया था कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, 10 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, यही BHEL मैदान में 10,000 लोगों की मेले में भीड़ थी दशहरा मैदान में। तो ये जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर भी हमको झूठा दिखाई देता है, क्योंकि उस समय पर हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस फोर्स भेजा गया था। कलेक्टर भी झूठा है। रोकना है तो उनको रोको, हमको क्यों रोक रहे हो? मांगे नहीं होती कोई तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमने गवर्नमेंट को, सरकार को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को ऑल इंडिया में चेतावनी दी हुई है, जिस दिन हम किसान जो है वो उग्र हो जाएगा उस दिन ये उसकी जवाबदेही, उसकी जवाबदारी सरकार की होगी। हम शांति से संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर सरकार नहीं मानती है और संविधान के विरोध में जाकर, जनता के विरोध में जाकर अगर सरकार चलाना चाहती है तो हम उस सरकार को नहीं मानते, क्योंकि ये EVM घोटाले के द्वारा चुनी गई सरकार है। क्या किसी तरह का उग्र आंदोलन हो सकता है प्रदेश में? प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसकी संभावनाएं हैं। किसान जो है वो उग्र है, मजदूर उग्र है, जो कर्मचारी है वो परेशान है, देश का ऐसा कोई तबका नहीं है जो इस समय परेशान नहीं है और उग्र नहीं है, आंदोलन नहीं कर रहा है। आप लोगों के बीच में जाओ, आपको जनाक्रोश खुद दिखाई देगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे KKR न्यूज़ के साथ, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।